हेलो फ्रेंड्स मैं नितेश कुमार आपका आपके यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट फॉर एवर में एक बार फिर से स्वागत करता हूं तो हम यहां पर बात करने वाले हैं आज मार्केट के आउटलुक से रिलेटेड कि क्या होता हुआ नजर आ रहा है जिस तरीके से यहां पर डोजो में गिरावट होती हुई नजर आई थी हमें आ, अगर हम बात करें यहाँ पर निफ्टी की तो निफ्टी में भी हमें एक अच्छी खासी गिरावट होती हुई नजर आई थी ओके उस सब चीजों से रिलेटेड हम यहाँ पर बात करने वाले जानने वाले एग्जैक्टली अब मार्केट में क्या होता हुआ नजर आएगा अकॉर्डिंग टू माई परसेप्शन ओके okay, तो हम उसी से रिलेटेड बातें करेंगे तो देखिए काफी था तो हम यहाँ पर अगर हम पर आप देखेंगे तो मैं यहाँ पर दलाल स्ट्रीट भी गया था रात में दोस्त के साथ तो यहाँ पर अगर हम देखे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पीछे ही यहाँ पर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की यहाँ पर बिल्डिंग भी थी तो इस दलाल स्ट्रीट में तो जाग गए थे थोड़ा सा देखने के लिए कि एग्जैक्टली जगह स्टेट लगता कैसे है कैसे है तो पुराने जमाने में तो कुछ अलग ही रहता था बट अब अब थोड़ा सा अलग हो गया इन द सेंस ऑफ वर्क ओके तो यही सब चीज है तो एक एक्सपीरियंस था जो कि यहाँ पर लेने गए तो यहाँ पर हमें इन ट्विटर पे फॉलो कर लीजिएगा ताकि आप आपको यहाँ पर सब चीज यहाँ पर पता चल सके जाते टाइम हमने एक वीडियोस बनाई थी जिसमें हमने बताया था कि हमारे जो कोर्सेज स्टार्ट हो रहे हैं अक्टूबर से उसमें हम एक्चुअली यहाँ पर किस चीज से रिलेटेड बातें करने वाले हैं तो जाके आप यहाँ पर देख सकते हैं इसे यहाँ पर क्लिक करिए आप यहाँ पर सारी चीजें आप पूरे कोर्स को यहाँ पर एक्सप्लेन किया है थर्टीन मिनट्स का वीडियो है आपको पता चल जाएगी एज वेल एज यहाँ पर मार्केट में क्या हो रहा है उससे रिलेटेड बातें करेंगे बट एक चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो मुझे काफी अच्छा लगता है ये बुक है द साइकोलॉजी ऑफ मनी ओके उसमें एक चैप्टर है पहला ही चैप्टर है नो वंस क्रेजी ओके okay, तो इसमें एक लाइन है यहाँ पर देखेंगे योर पर्सनल एक्सपीरियंसेस विद मनी मेक्स अप बट मे बी एटीन परसेंट एटी परसेंट ऑफ वो हाउ यू थिंक द वर्ल्ड वर्क्स तो हमें क्या करना है हमें इस चीज पे ध्यान नहीं देना की दुनिया में क्या चल रहा है ओके वॉट हैपनिंग इन द वर्ल्ड इट ड मैटर फॉर यू ओके बट दुनिया किस तरीके से काम करती है इस पे हमें जोड़ देना है ओके ये हमें सीखना है और अगर हम ये सीख जाते हैं तो एक अच्छा खासा पैसा बन सकता है कंपेयर कि दुनिया में क्या चल रहा है तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा तो ये बताने के पीछे का मकसद क्या था ये बताने के पीछे का मकसद ये था कि देखिए फैड की मीट होती हुई नजर आई थी ओके फेड की मीट में यहाँ पर अलग अलग न्यूज आती है बताते हैं

किस तरीके से मार्केट यहाँ पर काम करती है मार्केट नीचे जरूर गिरती है बट उसके बाद यहाँ पर जिस तरीके से रिकवर होती है जिस तरीके से यहाँ पर मार्केट में जब भी गिरावट आती है तो एक तेजी होती हुई नजर आती है देखिए चाहे यहाँ पर निफ्टी ले लीजिए चाहे डोजोंस ले लीजिए तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि किस तरीके से यहाँ पर काम होता है और एक चीज पॉजिटिव बात दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर आप देखेंगे पांच साल में केवल बत्तीस परसेंट के रिटर्न डोजोन्स ने दिखाया है ओके okay, बट हम यहाँ पर अगर बात करते हैं निफ्टी की तो निफ्टी ने लगभग यहाँ से डबल के रिटर्न दिखाया है तो आपको समझना होगा कि जो इंडियन मार्केट है एक पॉजिटिव सेंटिमेंटल्स के साथ जुड़ी हुई है ओके okay, जो ग्रोथ स्टोरी है वो बहुत ज्यादा है और आने वाले टाइम में यहीं पर ही पैसा बनने वाला है और पूरे वर्ल्ड में कोई भी कोई भी कंट्री यहाँ पर इस तरीके के रिटर्न नहीं देती हुई नजर आएगी जो यहाँ पर इंडिया देती हुई नजर आएगी तो इस चीज को थोड़ा सा गाठ बांध लीजिए चीजों को समझ लीजिए ओके और यहाँ पर अब हम एक एक करके चीजें बात करते हैं सबसे पहले डोजोन्स सही लेंगे क्यों क्योंकि यहाँ पर डोजोन्स में एक गिरावट होती हुई नजर आई देखिए मार्केट में गिरावट होती हुई नजर आई ओके और इसने जो यहाँ पर नीचे टच किया और टच करके ऊपर आता हुआ दिखाई दिया ओके okay, तो यहां पर भी देखेंगे ना आप यहां पर देखिए एक बेहतरीन क्या बनता हुआ नजर आ रहा था एक सपोर्ट उस सपोर्ट को इसने यहाँ पर टच करके चुपचाप यहाँ पर ऊपर की तरफ निकलता हुआ नजर आया नजर आ रहा था वो सपोर्ट से थोड़ा सा नीचे आया और चीजें ऊपर की तरफ यहाँ पर जाती हुई नजर आई और यहाँ पर क्लोजिंग उसी बेसिस पे होती हुई नजर आई तो क्या यहाँ पर लगातार गिरावट होती हुई नजर आई है बट अपने मार्केट है ऊपर की तरफ नजर आए हैं तो

Uh, इस पर्टिकुलर रेंज में इसे लेके ले आती हुई दिखाई दे सकती है लगभग यहाँ पर डेढ़ से दो हजार पॉइंट एक हजार से दो हजार पॉइंट के बीच की गिरावट हो सकती है बट जैसे ये पर्टिकुलर पॉइंट इस, इसका जो हाई था इसे क्रॉस किया जो कि मुझे लगता है मंडे को यहाँ पर एक रिबाउंड होता हुआ नजर आएगा तेजी होती हुई नजर आएगी और यहां पर चीजें ऊपर जाती हुई नजर आएगी तो यहाँ पर इससे ऊपर गया तो यहाँ पर एक बेहतरीन तेजी होगी और इस बार नीचे नहीं केवल ऊपर ही ऊपर दिखाई देगा तो यहाँ पर इस चीज को हमें समझना होगा और मार्केट पहले ही रिएक्ट करती है मार्केट ने पहले ही रिएक्ट कर दिया था वो भी आप यहाँ पर समझ सकते हैं अब बात करते हैं अपनी मार्केट की तो यहाँ पर अपनी मार्केट की बात करें तो आपको यहाँ पर पता चलेगा कि यहाँ पर जो अपनी मार्केट थी एक बेहतरीन सपोर्ट में यहाँ पर चलती हुई नजर आ रही है यहाँ पर देखिए आज मार्केट गिरी थी गिरने के बाद जो यहाँ पर बंद हुई है वो एक सपोर्ट यहाँ पर नजर आता है बट एक बेहतरीन सपोर्ट कहाँ नजर आता है एक तो ये सपोर्ट यहाँ पर बेहतरीन नजर आता है जो कि मैं यहाँ पर पहले यहाँ पर आप लाइन देख चुके हैं दूसरा सपोर्ट ये नजर आता है ओके okay, के आसपास तो के आसपास इसने मल्टीपल टाइम्स यहाँ पर सपोर्ट लिया है मल्टी बार बार आके चीजें रिबाउंड होती हुई नजर आई है तो चीजें हो सकता है थोड़ी सी यहाँ पर गिरावट हुई अगर मंडे को क्योंकि यहाँ पर डोजो में गिरावट थी तो हो सकता है तीन पॉइंट यहाँ पर गिरावट हो या सो तो थोड़ी सी यहाँ पर पॉइंट गिरावट हो और उसके बाद यहाँ पर रिबाउंड लेता हुआ यहाँ पर भी मार्केट नजर आ सकता है तो अगर गिरावट होती है तो बाइंग करने की सोचिएगा

वो यहाँ पर आपको अच्छा खासा पैसा बनाते हुए दिखाई देगी और यहाँ पर हम बात करें निफ्टी बैंक की तो निफ्टी बैंक में हमेशा बार बार कह रहा था जब यहां पर मार्केट आई थी तब भी कह रहा था कि यहाँ पर से टच करके नीचे आ सकती है अगेन जब यहाँ पर आई थी मैंने यहाँ पर आपको बार बार बताया था कि यहाँ से ब्रेकआउट हो गया है बट यहाँ पर एक रजिस्टेंस यहाँ पर नजर आता है तो देखिए इसी चीज के यहाँ पर टच करके चीज चुपचाप नीचे आई कैंडल्स जो हम यहाँ पर पढ़ाने वाले हैं जिसमें मैंने यहाँ पर आप देखेंगे इस वीडियो को तो आपको पता चलेगी कौन कौन से टॉपिक्स यहाँ पर है तो उन टॉपिक्स से रिलेटेड उन टॉपिक्स को आपने पढ़ गया, पढ़ लिया तो याद रखिए आप यहाँ पर जो गिरावट हुई थी ओके यहाँ से भी एग्जिट कर लेंगे एज वेल एज यहाँ पर जब हमारा बाइंग का मौका बना था ओके यहाँ पर आप बाइंग भी कर लेंगे एज वेल एज अगेन यहाँ पर जब यहाँ पर गिरावट होती है नजर आई तो यहाँ पर भी आप एग्जिट कर लेंगे देखिए एग्जैक्ट लेवल पे तो आप एग्जिट नहीं कर सकते बट यहाँ पर हम बात करें अगर थोड़ा सा दिमाग लगा के थोड़ा सा सही तरीके से हम करें तो ऑब्वियसली बात है अच्छा खासा पैसा यहाँ पर कमाया जा सकता है और यहाँ पर एक सपोर्ट नजर आता था जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं उसी सपोर्ट को इसने यहाँ पर क्या किया रिस्पेक्ट किया है और मुझे नहीं लगता यहाँ से मैं जो मैं यहाँ पर कह रहा हूँ निफ्टी के लिए सेम यहाँ बातें कर रहा हूँ थोड़ी बहुत गिरावट हो सकती है अगर गिरावट होती है अपॉर्चुनिटी बनेगी यहाँ पर चीजें भागेगी क्यों क्योंकि इसमें अब हायर हाइज लग रहे हैं और ये जो कर्व बनते हुए नजर आ रहे हैं ना कप और हैंडल बनता हुआ नजर आ रहा है जिसके जो टारगेट होंगे ना वो एक बेहतरीन टारगेट नजर आएंगे और ये चीजें ऊपर जाती हुई नजर आएगी नीचे जाती हुई मुझे नजर नहीं आती किसी भी कॉस्ट पे क्योंकि सब चीज यहाँ पर अच्छा है जब सब की चीज अच्छी नजर अच्छी है तो चीजें नीचे जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता फिर केवल डराया जा सकता है ओके जो साइकोलॉजी होती है जो पैसे कमाने की मार्केट की साइकोलॉजी उसके ऊपर फिर वर्क करना पड़ेगा हमें क्यों क्योंकि बड़े लोग डरा के चीजें लेके आएंगे नीचे ओके आप यहाँ पर बेच देंगे और फिर वो सीधे ऊपर लेके जाएंगे और यहाँ तक क्या वन हजार तक यहाँ पर टारगेट जो बनेगा वो उसे आनंद लेते हुए नजर आएंगे तो चीजें आपको समझनी है कि, कि किस तरीके से यहाँ पर काम करना है तो निफ्टी की बात हो गई निफ्टी और निफ्टी में भी आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग इसी तरीके का कुछ पैटर्न बनता हुआ देखिए यहाँ पर एक अप हैंडल पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है तो यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं इसके अलावा हम बात कर लेते हैं कुछ और इंडाइसिस की जैसे कि यहाँ पर निफ्टी स्मॉल कैप ओके स्मॉल कैप पर किस तरीके से काम कर रहा है अगेन यहां पर देखिए मैंने आपको बताया था से से निकल जाए एक बार इस पॉइंट निकला सीधा यहाँ पर जाता हुआ नजर आएगा तो अगला टारगेट यही है और देखिए यहाँ पर जो क्लोजिंग दी है ना इसने एक बेहतरीन सपोर्ट पे है यहाँ पर इसे टच करके मुझे नजर आता है कि चीजें ऊपर जाती हुई नजर आ रही है अगर गिरावट हो जाती है अगर गिरावट होती है तो ये सपोर्ट है ना इस सपोर्ट की तरफ आप ध्यान दीजिएगा ओके इससे चीजें अः थोड़ी सी यहाँ पर टच करके हो सकता है कि यहाँ से टच करके ऊपर जाए तो यहाँ से टच करके या फिर सीधे ही यहाँ पर ऊपर जाती हुई नजर आती है मुझे सबसे पहला टारगेट यही है और दूसरा टारगेट ये है और निफ्टी स्मॉल कैप के जिस तरीके से रिटर्न आया वो आप यहाँ पर देख सकते हैं निफ्टी मिड कैप की बात करें निफ्टी मिड कैप ने यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर बैंक निफ्टी भागा था सेम यहीं पर इस तरीके से भागता हुआ नजर आया गिरावट होती हुई नजर आ रही है ओके बट पर पर हम देखे, तो एक बेहतरीन इसके सपोर्ट नजर आता है तीस हजार दो सौ बहत्तर के आसपास तीस हजार तीन सौ के आसपास इसे टच करके दोबारा चीजें ऊपर जा सकती है और यहाँ पर जो टारगेट आएंगे ना इस बार क्यों क्योंकि यहाँ पर रिवर्स हाइड एंड शोल्डर पैटर्न टाइप में बनेगा या कब विद हैंडल पैटर्न भी कह सकते हैं और अच्छे खासे टारगेट आते हुए नजर आएंगे यहाँ पर और बड़े टारगेट आएंगे तो निफ्टी कैप की तरफ ध्यान दीजिए और इसके अलावा हम बात करते हैं निफ्टी आई टी में निफ्टी आई टी में बुलिश हूँ रिसेशन की बातें हो रही है अलग अलग बातें हो रही है इंडिया एक चीप लेबर यहाँ पर प्रोवाइड करता है इस चीज़ को याद रखिए फॉर द फॉर द यूएस फॉर द अगर बात करें यहाँ पर डिफरेंट कंट्रीज के लिए ओके okay, और हम यहाँ पर एक्सपोर्टर है इस चीज को भी हमें ध्यान देना है तो हमें यहाँ पर आईटी में डरने की बात नहीं है आईटी बेहतरीन अमेरिकन मार्केट की तरह डो की तरह यहाँ पर काम करता हुआ नजर आ रहा है बट याद रखिये बता रहा हूँ डोजोन्स यहाँ पर गिरावट हो गई है भागेगी अगेन यहाँ पर भी चीजें यहाँ पर मुझे भागती हुई नजर आ रही है एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है आईटी में यहाँ पर आपको ग्रैप करने की आप चाहे तो यहाँ पर बायोडिप्स की रणनीति अपना के एकट करिए ओके बिना आईटी के पूरे वर्ल्ड में कुछ भी काम नहीं होना ओके चाहे यहाँ पर कोविड आता तब उससे पहले भी और जब भी आगे दुनिया बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं आईटी का ही रोल होगा बिना आईटी के कुछ नहीं होने वाला तो आपको यहां पर इस पर्टिकुलर पॉइंट की तरफ ध्यान देना और पर पर दो तीन दिन से चीजें केवल गिर रही है तो यहाँ पर देखें, यही पर यहीं आके बार बार रोक रही है मार्केट में इतनी गिरावट हुई इत, आई में नहीं हुई यहाँ पर एक सपोर्ट बन चुका है इसके नीचे गिरी तो यहा, यहाँ पर यहां तक आ सकता है ओके छब्बीस लगभग चार पॉइंट की गिरावट हो सकती है बट चीजें कहा नजर आती है चीजें यहाँ पर से जब भागती हुई नजर आ रही है मैं मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है यहाँ से आईटी रिबाउंड करेगा ओके रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है और उसके बेसिस पे जो टारगेट आ रहे हैं ये वाले टारगेट आ रहे हैं पहले बट यहाँ पर चीजें यहाँ पर रुकेगी नहीं क्योंकि रजिस्टेंस यहाँ पर नजर आता है तो इसी चीज को मैं पढ़ाऊंगा आप चाहे तो यहाँ पर एनरोल कर लीजिए एक बार कॉन्टेक्ट करिए

यहाँ पर समझ में आती हुई नजर आएगी तो वीडियो में को यहाँ पर क्लोज करते मार्केट में पॉजिटिव रहना है अगर मार्केट में पैसा कमाना है बिना पॉजिटिविटी के यहाँ पर पैसा नहीं बनेगा और यहाँ पर आप हार मान गए तो फिर आप यहाँ पर पैसा नहीं कमा पाएंगे लंबी पारी के लिए क्योंकि इंडिया की जो स्टोरी है वो लंबी है सो थैंक यू सो मच वीडियो को यहाँ पर क्लोज करते हैं और काफी लोगों के क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे पाया था इस वीक में वो सारे के सारे आंसर आपको आज या कल में मिलते हुए नजर आ जाएंगे जो वीडियोज आप कह रहे हैं बार बार बनाने की वो वीडियोज भी आपको यहाँ पर उसके रिलेटेड यहाँ पर आपको आउटलुक मिलता हुआ नजर आएगा तो आपको डरने की जरूरत नहीं है सो थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस